हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मोस की स्टडी कर रहे हैं और आज ये सोम का तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम सेकंड चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दो लेक्चर में हमने अपना पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर लिया था, जो कि छोटा सा चैप्टर था। अब इसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे क्लास में कि सर, हमारी बुक में पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा दे रखा है, आपने जल्दी कवर कर दिया। तो दोस्तों, कुछ बुकों में क्या है कि पहला जो चैप्टर है वो दो पार्ट में बांट रखा है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। इसीलिए आपको फर्स्ट ए में केवल प्रॉपर्टीज़ दे रखे होंगे और फर्स्ट बी में इस चैप्टर का बहुत सारा कंटेंट होगा। बट मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, हम सीक्वेंस जो रखेंगे चैप्टर्स का वो हमारे अकॉर्डिंग रखेंगे, जिससे कि हमें चीज़ों को याद करने में आसानी हो, हम चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई कर पाएँ। इसीलिए पहले चैप्टर में हमें केवल प्रॉपर्टीज़ देखनी थी, जो कि लगभग 14-15 प्रॉपर्टीज़ थी मटेरियल की। वे सभी मैंने आपको करा दी लास्ट दो लेक्चर्स में, और आज के इस क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके टॉपिक्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, 12 टॉपिक हैं। तो कुछ बुकों में ये टॉपिक्स पहले चैप्टर में हो सकते हैं, कुछ में सेकंड चैप्टर में हो सकते हैं। तो आपको चैप्टर के नंबर्स को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बार आप सोम को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपकी बुक में से कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, बुक से कम बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बुक से ज़्यादा ही मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है? तो सबसे पहले एक बार इसके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। बड़ा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एंड इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों चीज़ आप स्टडी करेंगे, और थोड़ा सा अच्छे लेवल का चैप्टर है, ठीक है? सबसे पहला ही टॉपिक है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन। चैप्टर का नाम है, तो पहला टॉपिक स्ट्रेस है, यानी प्रतिबल। फिर इसके टाइप्स देखेंगे, इसके बाद स्ट्रेन है, फिर स्ट्रेन के टाइप देखेंगे। इसके बाद पांचवा टॉपिक हुक्स लॉ पढ़ेंगे, यानी हुक का नियम क्या होता है ये पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। छठे टॉपिक में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, और माइल्ड स्टील के लिए कर्व पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद कुछ इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे हम, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, इन सब की स्टडी करेंगे। इसके बाद आठवां टॉपिक है इलोंगेशन। इलोंगेशन कहते हैं लंबाई में वृद्धि को या लंबाई में परिवर्तन को। इसके बाद हम इलोंगेशन देखेंगे कंपोजिट बार में। देन आफ्टर हम इलोंगेशन देखेंगे ड्यू टू सेल्फ वेट, स्वयं के भार के कारण इलोंगेशन। इसमें दो तरह की बार में देखेंगे हम, एक प्रिज्मेटिक बार में, दूसरा कैनोनिकल बार में, यानी कोनिकल बार में, सॉरी कोनिकल बार मतलब होता है शंकुआकार बार में। इसके बाद 11वां टॉपिक है हमारा इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, और लास्ट टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। इस तरह से 12 टॉपिक हैं। आप एक बार इन टॉपिक्स को अपनी बुक से मिला लीजिएगा, तो आपको बुक में सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपकी बुक में लिखे होंगे, इससे ज़्यादा आपकी बुक में नहीं होगा। फिर भी अगर होगा तो आप जब बीच में स्टडी करेंगे ना, तो अभी इसके अंदर भी टॉपिक्स आएंगे, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेकिन ओवरव्यू के लिए आप इन 12 टॉपिक को याद रखेंगे। मैं स्टार्टिंग में टॉपिक्स के नाम इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको पहले ही पता रहे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इससे हमारे माइंड की मेंटेलिटी थोड़ा सा ठीक रहती है, ठीक है? तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। इसको रफ कर देते हैं, एंड इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पर एक क्विज भेजा था, उस क्विज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के गलत आंसर आ रहे थे, लगभग 60% स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए, केवल 40% स्टूडेंट्स के ही सही आंसर थे। तो सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मैंने आपसे कल पूछा था। मैंने कहा था कि आप बताइए, जो रबर होता है, रबर ये डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल, या फिर ये ब्रिटिल मटेरियल है, ब्रिटिल, ठीक है? और मैंने कहा था आपको डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए बताना है। डक्टाइल मटेरियल में मैंने आप सभी को क्या बताया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा बच्चों के गलत आंसर आ रहे थे। पहले मैं इसका आंसर बता दूं, रबर जो होता है ब्रिटिल मटेरियल होता है, ये डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है? ये जेई का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों के गलत आंसर थे इसके। अब रीज़न सुन लीजिए, ये डक्टाइल क्यों नहीं है, ब्रिटिल क्यों है। हमने डक्टाइल में आपको क्या बताया था, कोई भी अगर ये पदार्थ है, कोई मटेरियल है, आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगा के खींचते हैं इसको, और खींच करके पतले वायर के रूप में, यानी तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है? एंड जब आप इस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब ये जो आपने फोर्स लगा रखा है टेंसाइल फोर्स, पहले तो तार के रूप में बदल गया, अब आप और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बीच में से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। अगर आपने और फोर्स की वैल्यू बढ़ाई, तो पहले तार बन गया, तार के बाद अगर बढ़ाते जा रहे हैं वो टूट जाएगा। टूटने से पहले क्या आपने देखा, जब ये टूटा तो आपको पता चला कि इसकी लंबाई जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा लंबाई बढ़ गई। लंबाई बढ़ने को हम इलोंगेशन कहते हैं या फिर डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये लंबाई कैसी बढ़ती है, ये प्लास्टिकली बढ़ती है, मतलब बढ़ गई तो फिर वापस दोबारा इस शेप में नहीं आता है, इसीलिए इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं।
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 5% से ज़्यादा होता है, ये बताया था। एंड जो आपके किस में, ये डक्टाइल में, ये किस में है, होते हैं डक्टाइल में। एंड मैंने आपसे कहा था 5% से कम जिसमें होते हैं कौन सा होता है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होते हैं ब्रिटल मटेरियल में। ब्रिटल मटेरियल 5% से कम का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है जैसे चौक का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, आपने पकड़ के खींचा तुरंत बीच में से टूट जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी इसकी, बीच में से टूट जाती है, ठीक है, बिना लंबाई में बढ़े। फिर भी हम मान लेते हैं कि लगभग 5% तक इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ बार बार प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और आपने अपने माइंड में क्या याद रखा कि रबड़ है, हम इसको खींचते हैं लंबाई बढ़ जाती है, 5% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं भी मानता हूँ बढ़ जाती है, लेकिन जब वो लंबाई बढ़ती है वो उसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ना कि प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या, लंबाई बढ़ी, आपने छोड़ा, रबड़ फिर से वहीं आ गई, तो वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और हमें किसके हिसाब से बताना है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के हिसाब से। अब आप एक बात बताइए, ये सपोज रबड़ है आपकी कोई, ठीक है, ये रबड़ है, आपने इसको पकड़ के खींचा, मान लिया बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, इतना लंबा हो गया, लेकिन जैसे ये टूटेगी बीच में से, मान लिया टूटेगी, तो टूट करके फिर से जहाँ थी वहीं आ जाती है। आपने कभी देखा है रबड़ क्या होता है, जब आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खींच दिया, आपने रबड़ टूट गई, टूटने के बाद क्या उसकी लंबाई बढ़ी रहेगी, नहीं, जिसकी लंबाई बढ़ी ही रहेगी टूटने के बाद, वो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि स्टील होती है आपकी, जैसा कि मैंने आपको बताया जो स्टील होता है वो डक्टाइल मटेरियल है, सोना मैंने आपको बताया था, सोना जानते ना, गोल्ड जो होता है वो भी डक्टाइल है, पकड़ के खींचना, खींचते जाएंगे पहले तार जैसा बन जाएगा, फिर टूटेगा, तो टूटने के बाद उसकी लंबाई बढ़ी ही रहेगी, लेकिन रबड़ में ऐसा नहीं होता है। रबड़ में क्या होता है, रबड़ में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मान 0 होता है, ठीक है, जबकि उसमें केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अब कंफ्यूज हो गए, लंबाई बढ़ रही है, मानता हूं 5% से भी ज्यादा बढ़ती है लंबाई रबड़ में, लेकिन वो इलास्टिकली बढ़ती है, अगर वो टूट जाएगा टूटने के बाद फिर से वहीं आ जाएगा, इसीलिए रबड़ डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है। ब्रिटल को जब भी आपको पहचानना हो, आप टूटने के बाद देखिए उसकी लंबाई कितनी है, जितनी पहले थी उतनी ही लेंथ रहेगी, तो समझो ब्रिटल है वो, और टूटने के बाद अगर आप उसकी लेंथ देखेंगे, अगर बड़ी हुई है, पहले से 5% से भी ज्यादा बढ़ गई है, तो वो डक्टाइल है। जैसा कि मैंने तार बताया, अगर ये स्टील की बॉडी है, खींचा पकड़ के, ये टूट गया, टूटने के बाद लंबाई बढ़ी ही रहेगी, फिर से वापस नहीं आया, तो इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, जो कि 5% से भी ज्यादा होगा तो डक्टाइल कह देंगे। तो अब रबड़ में कोई कंफ्यूजन नहीं ना आपको, आपने एक स्टील का तार लिया, पकड़ के खींचा, लंबाई उसकी अगर टूट गई, वो टूट गया तार, तो लंबाई पहले बढ़ी, टूटने के बाद वो वापस नहीं आया, तो कह देंगे वो कैसा था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था, इसीलिए वो क्या है आपका, डक्टाइल है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, चौक जैसे हो गया, लंबाई सीधे सीधे उसकी बढ़ेगी नहीं, ऐसे डायरेक्ट टूट जाएगा। रबड़ भी हो गई, पहले बढ़ा तो सही वो, लेकिन वो जो डिफॉर्मेशन था इलास्टिक था, टूटने के बाद क्या हो गया, फिर से वहीं आ गई, इसीलिए उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है 5% से ज़्यादा, इसलिए वो क्या है, ब्रिटल मटेरियल है रबर। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बार बार 3-4 बार रिपीट कर दिया, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क वाला सभी को क्लियर हो गया ना, तो रबर को आपको डक्टाइल नहीं बताना है, रबर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वो जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक होता है, और हमें पता करना होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के हिसाब से, जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। एक मैंने क्विज दिया था, और क्विज में मैंने आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, यानी इनमें से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है, और मैंने 4 एग्जाम्पल दिए थे आपको। मैंने कहा था रबर, दूसरा कहा था स्टील, तीसरा कहा था गिलास, और चौथा मैंने आपसे बोला था वुड, वुड मतलब लकड़ी। इन चारों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है, वही ज़्यादा इलास्टिक होगा जिसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान ज़्यादा होगा। हालांकि ये आगे का टॉपिक है, आपको पता नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों ने रबर को किया था ठीक, रबर गलत था, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होती है। रीजन थोड़ा सा सुन लेंगे, बाकी मैं आपको हुक्स लॉ पढ़ाऊंगा, वहाँ भी बता दूंगा इसको। ई जो होता है, ई को कैसे निकालता है, तो हुक ने बताया था जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है, यहाँ से कैपिटल ई निकल के आता है, आगे पढ़ाऊंगा आपको, जस्ट रीजन बता रहा हूँ अभी, इसको इधर ले गया, कैपिटल ई हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस जो होता है उसे फोर्स अपॉन एरिया कहते हैं। फोर्स अपॉन एरिया का मतलब क्या, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। डैट मीन्स ऐसी कोई भी बॉडी जिस पर हम फोर्स ज़्यादा लगाएं, तो उसके लिए ई का मान ज़्यादा होगा। फोर्स ज़्यादा लगाएं और उसमें विकृति कम हो, यानी स्ट्रेन लंबाई कम बढ़े उसकी, ऐसे पदार्थ जिस पर ज़्यादा बल लगाया और लेंथ कम बढ़ रही है उसकी, वो उतने ही ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ये सब जेई लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा कम समझ आ रहा होगा आपको, फिर भी मैंने अब जब होमवर्क दिया तो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है, आपको यहाँ से समझ आ रहा है ना, ई का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन स्मॉल ई होता है, स्मॉल ई यहाँ विकृति होती है लंबाई में, जो परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई होता है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको इन दोनों के बारे में। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, अगर आपने क्या किया, फोर्स कम लगाया,
फोर्स कम लगाया तो ई का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिन पर कम बल लगाते हैं और लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है वो कम इलास्टिक होंगे, जैसे रबर है कम बल लगाते हैं फिर भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या है वो कम इलास्टिक है, समझ पा रहे हैं। स्टील क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन सब में सबसे ज़्यादा इलास्टिक स्टील होता है। अगर वैल्यू की बात करें, मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ, रबर के लिए जो कैपिटल ई का मान होता है वो 0.01 GPa होता है, जबकि स्टील के लिए ई की वैल्यू 210 होता है, वैसे कभी कभी 200 भी कह देते हैं, वैसे 210 होता है एग्जैक्ट जो होता है, 210 GPa होता है। GPa गीगा पास्कल को कहते हैं, आगे आपको सब बता देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। आप तो बहुत ज़्यादा होता है स्टील से, इसे रबर से स्टील में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान, तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम स्ट्रेस से स्टार्ट करेंगे और आगे तक कंटिन्यू करेंगे, एक घंटे में जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को प्लीज़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से और आराम आराम से समझते चलना है, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे आप, नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे, आप PDF का वेट ना किया करें, बिकॉज PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन जितना अपने हाथ से लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ वही सेम टू सेम PDF में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है वहाँ भी, इसीलिए आप साथ में नोट्स बनाएं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिख लीजिए सभी, पहली हेडिंग लिखेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल। अब समझते हैं पहले स्ट्रेस क्या होता है एंड इसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, हिंदी में क्या लिखा है, प्रतिबल, यानी बल के प्रति जो विरोध उत्पन्न होगा वही क्या होगा, प्रतिबल होगा। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये कोई बॉडी है, यहाँ पर ये कोई भी एक बॉडी है, आप सभी जानते हैं कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो मान लिया ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर जिनसे मिलकर ये बॉडी बनी है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। आपने इस बॉडी पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, पी मान लिया आपने इसको, ये बाहर से लगाया गया बल है, इसको एक्सटर्नल फोर्स या फिर बाह्य बल कहते हैं, ठीक। अब ये जो बाहर से फोर्स लगाया है इस बॉडी को खींच रहा है, ठीक है, और ये जो पार्टिकल हैं अंदर वाले ये क्या करेंगे, इस बल का विरोध करेंगे, यानी जो बाहर की ओर बल लगा हुआ है इस बल का विरोध करेंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे, कौन, जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के ये, ठीक है। अब ये विरोध किस तरह से करते हैं, तो सपोज मैंने बीच में से यहाँ से एक सेक्शन काट दिया, इस सेक्शन को मैंने यहाँ से काट दिया, और सेक्शन काटने के बाद बॉडी को दो पार्ट में बना दिया, एक पार्ट मैंने बॉडी का ये बना दिया और दूसरा पार्ट मैंने बॉडी का इधर बना दिया कटने के बाद, ठीक है, ये वाला, मतलब बीच में से बॉडी को काट दिया यहाँ से, और ये इसके अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर थे। यहाँ तक समझ आ रहा सभी को, इधर को बाहर वाला बल पी लग रहा था और एक फोर्स पी इधर को लगा हुआ था, ठीक है। ये पार्टिकल, ये जो बाहर से बल लग रहा था ना, ये वाला बल, इस बल का विरोध करने के लिए इस बॉडी के अंदर से बल उत्पन्न करेंगे, ठीक है। अगर ये बॉडी सपोज मैं 3D में बना दूँ, इस तरह से बॉडी थी, ये 3D बॉडी थी, इस तरह से कुछ मोटाई भी थी इसकी, तो यहाँ पर 3D में बना लीजिए आप, इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये 3D बन गया। ऐसे आप इसे भी बना सकते हैं सेम इसी तरह से, ठीक है, 3D में, इतना समझ आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है इस बाहर वाले बल का विरोध करने के लिए यहाँ अंदर से आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे, इधर अंदर से बल उत्पन्न करेंगे, अंदर से, बॉडी के अंदर से। तो ये जो अंदर से बल उत्पन्न हुआ है इसको कहते हैं हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, हिंदी में इसको कहते हैं आंतरिक, सुनते रहिएगा आपको एकदम से याद हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल, समझ पा रहे हैं सभी। अब दोबारा से सुनेंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यानी यही स्ट्रेस है जो अंदर से उत्पन्न हुआ है। जब भी आप किसी बॉडी पर बल लगाते हैं, आप खुद कोशिश करके देख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे अगर मैं इसमें ऐसे करके ऐसे मुक्का मारता हूँ एक यहाँ पर, तो मेरे हाथ में भी चोट लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और उतना ही फोर्स बॉडी ने मेरे इस हाथ पे लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम भी होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है।
क्रिया प्रतिक्रिया का बल। न्यूटन ने क्या बताया था कि जब आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, जो बॉडी ने हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया है ये क्या है, ये स्ट्रेस है, ये प्रतिबल है, बल के प्रतिविरोध में जो बल लगाया हमारे हाथ पर ये क्या है, ये प्रतिबल है। तो यहाँ भी बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी है कोई, इस बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, बाह्य बल लगा हुआ है। तो इस बाह्य बल का विरोध करने के लिए बॉडी के पार्टिकल अंदर से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न करते हैं और इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। सभी को समझ आ रहा है? अब आप बोलेंगे नहीं सर, हमने तो स्ट्रेस ये पढ़ा है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फिर ये क्या होता है, ये भी स्ट्रेस ही होता है लेकिन इसे हम कहते हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेस इंटेंसिटी यानी प्रतिबल तीव्रता, प्रतिबल तीव्रता। सुनते रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार ये अच्छे से सुन लीजिए फिर लिखवा भी देंगे, ठीक है। प्रतिबल तीव्रता जब भी आपसे पूछेगा तो आपने यहाँ बॉडी के अंदर से जितना भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न हुआ था, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जितना भी आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हुआ है पर यूनिट एरिया, ये जिस पर उत्पन्न हो रहा है इस एरिया को, सपोज ये जो एरिया है हमने इस एरिया को मान लिया ए है, क्या मान लिया, इस एरिया को ए मान लिया, तो ये जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है ए एरिया पर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ भी कह सकते हैं ये वाला किधर उत्पन्न हो रहा है, ए एरिया पर, तो हम बोल देंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी। बट जो सोम और मोस हम स्टडी करते हैं इसमें बॉडी को इक्विलिब्रियम में मान लिया जाता है, संतुलन में मान लिया जाता है, इसीलिए संतुलन की अवस्था में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको पी अपॉन ए भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसको पी अपॉन ए भी कह देते हैं और आपकी बुक में स्ट्रेस इंटेंसिटी को ही स्ट्रेस कहा गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी आपको, डेफिनेशन जब भी आप देंगे शुद्ध परिभाषा, अगर आपसे केवल स्ट्रेस पूछेगा तो आप ये डेफिनेशन लिखाएंगे पहले, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो इस एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करने के लिए बॉडी के अंदर से जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और करके फिर क्या लिखना, आपको नीचे लिख देना है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी, इस तरह से पूरा लिख के आना है आपको। बट हम जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो फार्मूला यही यूज करेंगे, केवल स्ट्रेस लिखा आएगा तब भी आपको फार्मूला यही यूज करना है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैंने यहाँ दिखा रखा है फुल डिटेल में, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, ये एरिया है, ये एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया है। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा आप उसी का यूज करके फोर्स अपॉन एरिया कर लेंगे। अगर आपको आंतरिक प्रतिरोधी बल दिया है तो आप आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे एरिया करेंगे प्रतिबल की जगह, अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समझ पा रहे ना सभी? इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ आया। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है लेकिन परिभाषा आपको ये वाली बोलनी है जो आपको यहाँ लिखवाई गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लीजिए, जो मैंने समझाया है वही लिखा है यहाँ पर। जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ लगा हुआ है, ये पदार्थ है इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, तो पदार्थ के अणुओं यानी पार्टिकल्स द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न किया जाता है उसे हम प्रतिबल कहते हैं और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप? तो इंग्लिश में स्ट्रेस के जो आप डेफिनेशन लिखेंगे वो तो लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस, याद हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में ये है। एंड ऐसे स्ट्रेस इंटेंसिटी की डेफिनेशन इंग्लिश में हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस इंटेंसिटी, हिंदी में कह देंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको प्रतिबल और प्रतिबल तीव्रता दोनों समझ आ गए होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम प्रतिबल तीव्रता ना लिख करके क्वेश्चन में स्ट्रेस लिखा आएगा, तो फॉर्मूला आपको फोर्स अपॉन एरिया ही यूज करना है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे और बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, समझते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। चूँकि आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होंगे, एंड मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनका बीच में एक चैप्टर स्किप कर दिया गया है जो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन वाला, जिसमें मोहर सर्किल है, तो मोहर सर्किल सिविल के सिलेबस में नहीं है, केवल मैकेनिकल में है, तो उसको हम लास्ट में कराएंगे, पहले कॉमन वाला पार्ट पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपको बुक में मोहर सर्किल दिखाई देता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन दिखाई देता है, उसको लेकर बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में पढ़ाएंगे उसे, पहले कॉमन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों अब आगे बात करते हैं, अब जानते हैं स्ट्रेस की यूनिट के बारे में, समझिए यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक, यानी कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। तो आप सभी ने अभी देखा ऊपर क्या कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आप सभी जानते हैं फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, अपॉन एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति, प्रति का साइन लगा दो या अपॉन का, एक ही मतलब है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। अब इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को दोस्तों पास्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल, समझ पा रहे हैं सभी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम पास्कल कहते हैं। तो यहां से आपको एक चीज तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन सुन लीजिए होमवर्क में, जिसका कमेंट में आप सभी को आंसर देना है, हमने पढ़ा है दाब, दाब सभी ने पढ़ा होगा, दाब मतलब प्रेशर जिसे कहते हैं, प्रेशर आपने पढ़ा है, प्रेशर जो होता है आपका दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, दाब का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू बराबर पास्कल है। डैट मीन्स आप फिर मुझे क्वेश्चन ये बताएंगे कि फिर स्ट्रेस में और प्रेशर में डिफरेंस क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ भी फोर्स अपॉन एरिया, दोनों की यूनिट सेम है, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है स्ट्रेस में और प्रेशर में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को, देखिए आपको यहाँ से यूनिट समझ आ गई, अब थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पर ध्यान देंगे जो न्यूमेरिकल में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में आपको कभी कभी, ये तो आपको पता चल गया क्या, वन पास्कल, पास्कल को शॉर्ट में पीए लिख रहा हूँ मैं, वन पास्कल इक्वल टू कितना होता है, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको कहीं कई जगह एमपीए लिखा आएगा, एमपीए, तो पहले तो आपको एमपीए के बारे में पता होना चाहिए, एम फोर होता है मेगा, एम फोर होता है मेगा, और पी फोर होता है, पीए फोर है पास्कल, क्या है, पास्कल, तो एमपीए को हम मेगा पास्कल कहते हैं, तो वन एमपीए जो होता है दोस्तों, वन एमपीए किसके बराबर होता है, 1 MPa को सुन लीजिए किसके बराबर होगा, 1 MPa, आप सभी जानते हैं मेगा का मतलब 10 की पावर 6 आता है, मेगा मतलब 10 की पावर 6 हो गया, तो मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख कर पास्कल लिख दिया, तो 10 की घात 6 पास्कल होगा, आप पास्कल को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां तक समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मीटर में नहीं देगा, छोटी छोटी बॉडीज होंगी जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया mm में दिया होगा, mm स्क्वायर में, इसीलिए यहाँ न्यूटन की जगह mm स्क्वायर होगा, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम MPa को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करें तो क्या आएगा निकल के, तो आप खुद देखिए यहाँ से 10 की पावर 6 न्यूटन है, आप सभी जानते हैं एक मीटर में 10 की घात 3 mm होता है, 1000 मिलीमीटर होता है, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है, एक मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है, एमएम होता है, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, इस पर लगा दिया स्क्वायर, समझते रहना, यूनिट कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। 10 की पावर 6 न्यूटन हो गया, 10 की पावर 3 का 2 में मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आ गया, एमएम की पावर 2 एमएम स्क्वायर, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया दोस्तों, यहाँ से बच गया 1, क्या बच गया, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, आपको याद रखना है कि जो 1 एमपीए होता है, 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, याद कर लेंगे सभी बच्चे, याद कर लेंगे, एक तो आपको ये क्लियर हो गया, एक ये वाला बॉक्स आपको याद करना है, एंड एक और यूनिट कन्वर्जन बताते हैं आप सभी को, सुनिएगा ध्यान से क्या,
इतना समझ गए सभी। अब कई बार आपने देखा होगा क्या कि गीगा पास्कल लिखा आता है, क्या गीगा पास्कल, गीगा पास्कल, गीगा पास्कल को शॉर्ट में हम जीपीए कहते हैं, जीपीए, जी फॉर गीगा, पीए मतलब पास्कल। अगर कहीं पे आपको जीपीए लिखा दिखाई दे, गीगा मतलब 10^9 होता है, गीगा मतलब 10^9 हो गया ये पास्कल, समझ पा रहे हैं। पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1 जीपीए इक्वल टू 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ आ रहा है। अगर हम इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल में चेंज करें, तो आपको पता है 10^6 जो होता है मेगा पास्कल के बराबर हो जाता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कितना, 10^6 कम कर दो इसमें से, 3 बचेगा 3 MPa, MPa मतलब मेगा पास्कल, समझ आ रहा सभी को। इस मेगा पास्कल को ही हम कह देते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसको। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एमपीए आपको मेन केवल 3 ही बॉक्स याद करने हैं, पहला इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, एक पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक एमपीए जो होता है आपका 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज ज़्यादातर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें एमपीए लिखा आएगा और आपको एमपीए की जगह यूज करना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। जीपीए जहां कहीं भी लिखा होगा उसमें आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में करने के लिए 10^3 कर देंगे। कैसे हो गया, समझ आ रहा है ना। आप अगर इसको एमएम में चेंज करेंगे, एमएम में तो 10^6 आता है, पीछे 6 कम हो जाएगा 9 में से, 3 बचेगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको रिपीट कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद ये यूनिट जो आपके सामने लिखी है दोस्तों, कौन सी यूनिट है इसकी, ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अब कभी कभी आपसे एमकेएस यूनिट पूछ लेता है, एमकेएस यूनिट, ठीक है। एमकेएस यूनिट क्या होगी, तो एमकेएस में एम फॉर मीटर होता है, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड के पदों में क्या होगा ये, ठीक है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मैं बात कर रहा हूं अब इसकी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन मतलब होता है बीमा, डायमेंशन मतलब बीमा होता है। अब इसकी बीमा क्या होगी इसकी बात करते हैं, सुनिएगा। आप सभी जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया है, ये स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा एम इंटू ए, एफ बराबर एम ए पड़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है, अपॉन में ये एरिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एम के एस यूनिट की बात करूँ तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अपॉन में नीचे क्या है, ये मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा, 1 यहाँ से कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा के जी, बचेगा के जी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, क्या बचेगा, के जी प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, समझ आ रहा है। ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया यहाँ, और ये क्या हो गया आपका, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, 1 बचेगा, तो न्यूटन के जी पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इसकी एम के एस यूनिट होगी, समझ पा रहे हैं सभी। यहाँ पर आप इसका बीमा लिखिए, डायमेंशन क्या होगी, तो एम की होती है के जी मतलब मास हो गया, ये मास हो गई एम की, ठीक है, नहीं सॉरी हाँ सही है, मास हो गई। एंड ए जो होता है, ए त्वरण होता है, त्वरण की हो जाएगी LT-2, एक्सलरेशन की LT-2 हो जाएगी डायमेंशन, इस तरह लिख दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, जो डायमेंशन का सिंबल होता है। ये है आपका एरिया, एरिया की हो जाएगी क्या, L^2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से m तो m ही रहेगा, l ऊपर जाएगा, -1 बचेगी, l पे -1 और t पे -2, m L-1 T-2, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। सभी को समझ आ रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ है, kg लिख दिया, प्रति का साइन लगा के मीट, ये हो गया आपका क्या, मीटर हो गया, मीटर इंटू में सेकंड स्क्वायर, लेंथ है ये और ये टाइम है, ठीक है। तो ये ML-1 T-2 होगी इसकी डायमेंशन, क्लियर हो गया होगा, आसान है, इतना आप सबको आता होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। डायमेंशन भी सभी को समझ आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो स्ट्रेस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते चलिए।
ठीक है, मैं पूरी डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है, कोई कैसी भी कन्फ्यूज़न ना हो। एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये डायमेंशन आपने याद कर ली, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यूनिट कैसी है ये, मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी यानी कैसी राशि है ये, क्वांटिटी की बात करते हैं यानी राशि किस तरह की है, ये सदिश है या आदिश है। तो अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, ये आपका दोस्तों ना सदिश है ना आदिश है, ये टेंसर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, टेंसर, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। आप सुन रहे होंगे पहली बार इसका नाम, आई थिंक सो बहुत सारे बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे, टेंसर क्वांटिटी, टेंशन नहीं है, टेंसर एस ओ आर, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, आपने क्या देखा है, आपने देखा है जो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो अदिश राशियां होती हैं स्केलर, उनमें क्या होता है, उनमें डायरेक्शन नहीं होती, उनमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली ओनली क्या होती है उसमें, मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसकी केवल क्या होती है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती स्केलर में। वेक्टर में आप सभी ने देखा है, वेक्टर में क्या होता है, एक डायमेंशन होती है और एक इसकी, मतलब एक डायरेक्शन होती है और एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, किस में, वेक्टर में, डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी दिशा भी होती है परिमाण भी होता है। बट जो टेंसर क्वांटिटी होती है दोस्तों, इनमें क्या होता है, इनमें एक तो मैग्नीट्यूड होगा यानी एक तो परिमाण होगा, एम फॉर मैग्नीट्यूड है दोस्तों, यानी परिमाण, ठीक है, और दो होती हैं डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती हैं, ये आप सभी को याद रखना है, डायरेक्शन दो, यानी दिशा कितनी होती है इसकी, दो दिशा होती है। इसीलिए जो हम स्ट्रेस को सिग्मा को लिखते हैं ना, आपको आगे देखने को मिलेगा सिग्मा एक्स एक्स लिखा जाता है या सिग्मा वाई वाई लिखा जाता है, ये आप सभी ने देखा होगा, इस तरह से हम यहाँ पर सफिक्स में एक्स एक्स वाई वाई लिख देते हैं। एक्स एक्स का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पर डायरेक्शन को दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन है, यानी सरफेस उसका एक्स डायरेक्शन है, दूसरा यहाँ फोर्स की डायरेक्शन होती है, एक तो होती है किसकी डायरेक्शन, एक होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी बल की दिशा होती है, और एक यहाँ पर होती है दूसरी वाली डायरेक्शन ऑफ सरफेस, सरफेस का कौन सा डायरेक्शन है, डेट मीन सरफेस जो है वो एक्स अक्ष वाला है, वाई अक्ष वाला है, जेड अक्ष वाला है, कौन सा है, एंड दूसरा फोर्स किस दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में या वाई की या जेड की, इस तरह से। तो दो डायरेक्शन जिसमें होती हैं और एक मैग्नीट्यूड होता है, उसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो आपका ये स्ट्रेस होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, दो और होती है टेंसर क्वांटिटी, एक तो आप स्ट्रेस समझ गए, दूसरा आप आगे स्ट्रेन पढ़ेंगे भी, स्ट्रेन, स्ट्रेन जानते हैं सभी, स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं, जैसे विकृति कहते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको दोस्तों विकृति कहते हैं, ठीक है। तो विकृति भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी होती है, इसको भी हम ई एक्स एक्स और ई वाई वाई इस तरह से लिख देते हैं, इन फ्यूचर आपको पढ़ने को मिलेगा बाद में आगे जाके, मैं थोड़ा सा डिटेल करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आपसे कोई भी पूछे कि कहाँ पढ़ा था सोम, तो आप बता सके हमने गौरव सर से पढ़ा है, ताकि आपको अच्छा लगे थोड़ा सा इन फ्यूचर भी, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों हो गई, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जिसे आप हिंदी में जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, तो ये जो जड़त्व आघूर्ण होता है ये भी टेंसर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम आई एक्स एक्स आई वाई वाई इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार एक्स लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी दो डायरेक्शन है, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो टेंसर क्वांटिटी तीन हो गया आपके पास, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया और मूवमेंट ऑफ इनर्सिया हो गया, इन तीनों को याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जेईई एग्जाम्स तक में पूछे जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, स्ट्रेस के बारे में इतना सभी दोस्त समझ गए, ठीक है, यहाँ तक। तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस के बारे में नहीं पूछेगा, मैंने सब कुछ बता दिया। और अगर चाहिए आपको एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो स्ट्रेस होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, यानी किसी पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, वो हर एक बिंदु पर बदलता रहता है, इसलिए स्ट्रेस पॉइंट फंक्शन है, ये आगे की चीज़ें हैं। आपके काम का इसमें से क्या है, एक तो ये फॉर्मूला, यूनिट और ये वाला यानी डायमेंशन, हो सके तो ये भी याद कर लीजिएगा आप, टेंसर क्वांटिटी ये होती है। समझ आ गया सभी दोस्तों को, चलिए अब स्ट्रेस कंप्लीट हुआ आपका, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की ओर मूव करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में, और मैंने स्ट्रेस के टाइप्स पहले ही लिख दिए हैं ये, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच सके, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 टाइप हैं स्ट्रेस के, आपकी बुक में 3 टाइप दिए हैं, 3 टाइप क्यों दिए हैं, क्योंकि उन्होंने दो को एक साथ लिख दिया है, जैसे टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एक में दे रखा है,
दूसरा शियर स्ट्रेस दिया है, तीसरा डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस एक साथ दे रखा है। इस तरह तीन टाइप दिखा रखे हैं बुक में, लेकिन एक्चुअल में आप अलग अलग लिखना है इनको, पांच टाइप, ताकि हम इजीली सभी को समझ सकें। आपसे ये नहीं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, आपसे नाम भले ही पूछ ले इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्यों नहीं पूछेगा कितने टाइप, क्योंकि स्ट्रेस इसके अलावा और भी टाइप होते हैं स्ट्रेस के, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस, जो आपको आगे इन फ्यूचर जेई वगैरह में पढ़ना पड़ता है या बीटेक करेंगे तब देखने को मिलेगा, मौका मिला तो हम ही आपको पढ़ा देंगे आगे भी। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम कितना याद रखेंगे, पांच टाइप होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, सीयर, डायरेक्ट एंड बेंडिंग, ठीक है। एक एक करके सभी को समझेंगे हम, तो आप एक बार इसका जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ताकि आप नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो। अब एक एक करके समझते हैं सभी को, ये मैं हटाने जा रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ। सबसे पहले मैं समझाऊंगा टेंसाइल स्ट्रेस को, हालांकि डेफिनेशन में नीचे लिख दी है, लेकिन आप इसको बाद में पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ के सुना दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है टेंसाइल स्ट्रेस, होता क्या है। टेंसाइल फोर्स सभी जानते हैं, हमने स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेस क्या था हमारा एक्चुअल में, फोर्स अपॉन एरिया था, ठीक है। इसी को माइंड में रखना है आपको, हमने इसके बारे में क्या बताया था, कोई बॉडी होती है, जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं। तो दोस्तों हम जो बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बॉडी के ऊपर फोर्स, हम इसको खींच भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं। हम बाहर की ओर लगा रहे हैं तो हम जानते हैं टेंसाइल फोर्स होता है, क्या होता है टेंसाइल फोर्स, मैंने टी से दिखा रखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो जब किसी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है, क्या किया जाता है, खींचा जाता है, तो इस टेंसाइल फोर्स का विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस। समझ आ रहा सभी दोस्तों को, क्या हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा टेंसाइल को टी लिख दे रहा हूँ, सिग्मा टी बराबर क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। सभी को समझ आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला हो गया क्या, टेंसाइल स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं आप तनाव प्रतिबल बराबर टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया। समझ आ रहा है सभी को, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका। आप डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, जब किसी भी बॉडी पर, किसी भी मटेरियल पर कोई टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है, तो इस टेंसाइल फोर्स का विरोध करने के लिए बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। समझ आ रहा है, जब वस्तु पर तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। यही आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, स्ट्रेस अगेंस्ट टेंसाइल फोर्स इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, यानी टेंसाइल फोर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला भी ये है, ठीक है। पहला टाइप सभी को क्लियर हुआ, ये छोटे छोटे टाइप हैं, जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कंप्रेसिव की, दूसरा टाइप लिख लीजिए सभी लोग, मैं इसी में कर देता हूँ। सेकेंड टाइप हो जाएगा हमारा कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं इसको संपीडन प्रतिबल, संपीडन, संपीडन प्रतिबल। तो संपीडन में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, मैं यहाँ सिग्मा सी लिख देता हूँ, कंप्रेसिव में क्या हो जाएगा, आपने अभी इसको खींचा था, आप अब आगे समझदार हैं, क्या करेंगे, अब इसको दबा देंगे, ऐसे करके अंदर की ओर दबाएंगे बॉडी को, डैट मीन्स ये कंप्रेसिव फोर्स लग गया। तो जब भी किसी बॉडी को कंप्रेसिव फोर्स लगाकर, संपीडन बल लगाकर दबाया जाता है, तो इस कंप्रेसिव फोर्स का विरोध करने के लिए बॉडी में से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किधर उत्पन्न होगा, जब अंदर को दबा रहा तो बाहर की ओर उत्पन्न होगा, यानी अगर मैं इस सेक्शन को बीच में से यहाँ से काटता, सपोज ये आगे के लिए बता रहा हूँ आपको डीपली समझाने के लिए, अगर आप यहाँ से काटते तो अंदर को दबा रहा तो यहाँ तो किधर होता, बाहर की ओर उत्पन्न होता, किधर, इसके विरोध में, और इसके विरोध में इस साइड को उत्पन्न होता। समझ पा रहे हैं आप सभी, इस तरह से, तो इसका ये वाला विरोध कर रहा है, इसका ये विरोध कर रहा है, तो ये जो प्रतिबल अंदर से उत्पन्न हो रहा है ये क्या है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। आप बिल्कुल सिंपली याद रखना, जब भी किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसे दबाया जाता है तो इस कंप्रेसिव फोर्स का जो विरोध करेगा प्रतिबल वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ आप चेंज कर लीजिए, जब वस्तु पर संपीडन, यहाँ कर लीजिए संपीडन, संपीडन, इसको भी चेंज कर दीजिए, कंप्रेसिव लिख दीजिए यहाँ पर, कंप्रेसिव, ठीक है, सेकेंड टाइप है ये। जब किसी वस्तु पर संपीडन बल लगाकर उसे दबाया जाता है, उसे दबाया जाता है, तो इस संपीडन बल, इस संपीडन बल के विरोध में उत्पन्न प्रतिबल को संपीडन प्रतिबल कहते हैं, संपीडन प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स, स्ट्रेस अगेंस्ट कंप्रेसिव फोर्स,
इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ आ रहा है सभी दोस्तों को? तो आप डेफिनेशन को इस तरह लिखें कि आपको रटना बिल्कुल ना पड़े, अपनी लैंग्वेज में लिखें, मतलब वही निकलना चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल करने का, आप अपनी लैंग्वेज यूज कीजिए। सेम टू सेम बस मीन्स वही होना चाहिए, भाव चेंज नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आप खुद की लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपके नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रहा सभी को? यहाँ फॉर्मूला भी आप चेंज कर लेंगे। समझ आ गया दोस्तों सभी को? क्लियर हो गया ना अच्छे से? आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस का हो गया ये फॉर्मूला, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। समझ आया? हटा दें इसको। अब शियर स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसके? शियर स्ट्रेस के बारे में। तीसरा टाइप आ गया शियर स्ट्रेस। समझ आ रहा है ना? जल्दी से जल्दी कवर होता रहेगा इस तरह से। तीसरा हो गया शियर। आपको इसके लिए पहला शियर फोर्स की नॉलेज होना जरूरी है। इसको हिंदी में कर्तन या अपरूपण कहते हैं, शियर स्ट्रेस, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्तन, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। शियर स्ट्रेस, अब शियर स्ट्रेस एस लिख दूँ यहाँ, हालांकि इसके दो सिंबल होते हैं, इसको सिग्मा एस, तीन सिंबल हैं, जो आपकी बुक में हो उसी को यूज कर लीजिएगा। क्या क्या सिंबल होते हैं? या तो सिग्मा एस से डिनोट कर दीजिए, सिग्मा एस, या फिर आप इसको टाओ से डिनोट कीजिए, कुछ बुकों में टाओ उल्टा जे बना देते हैं, टाओ कहते हैं इसको, टाओ से डिनोट कर दीजिए, या फिर आप इसको क्यू से डिनोट कर दीजिए, कुछ बुकों में स्मॉल क्यू लिखा होगा। ये तीन सिंबल हैं जिनमें से स्टैंडर्ड है टाओ, ठीक है, शियर स्ट्रेस का टाओ। तो ये क्या होता है? ये होता है शियर फोर्स, क्या लेंगे आप ऊपर, शियर फोर्स अपॉन में एरिया। समझ आ रहा सभी को? आपकी बुक में जो भी दे रखा आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज करूंगा टाओ का यूज करूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस में मैं टाओ का यूज करूंगा। कुछ बुकों में क्यू लिखा होगा, कुछ में टाओ हो सकता है, कुछ में सिग्मा एस भी लिख दिया हो। चलिए, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया हो गया। अब पहले जान लीजिए शियर फोर्स क्या होता है, तब आपको आगे हर चीज क्लियर हो जाएगी अच्छे से। शियर फोर्स का मतलब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कर्तन बल। कर्तन मतलब काटना, कर्तन मतलब काटना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे काटने से मतलब क्या है, डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यह एक प्लेट है दोस्तों, और एक दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखी हुई है इस तरह से, और मैंने बीच में यहाँ पर रिवेट लगा दिया। क्या लगा दिया? रिवेट लगा दिया, रिवेट। रिवेट और बोल्ट में अंतर पता ना आपको? बोल्ट अलग चीज़ होती है, रिवेट अलग होता है। बाल्टी देखिए सभी ने, लोहे की बाल्टी होगी घरों में, गाँव में देखी होगी आपने, नहीं देखी तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ी छोटी बना देते हैं ये, तो आपने क्या देखा होगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट पॉइंट से देखें साइड में, ये वाली ये रिवेट होते हैं दोस्तों, ये रिवेट इस तरह से, ये इस तरह से लगे होते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए बना रहे तो पूरा ही बना दें इसको, लो इसमें दूध लेके जाना है आप सभी को, ये बाल्टी है। तो आपने देखा होगा यहाँ साइड में, देखा सभी ने, ऐसे इस तरह लगे होते हैं, ये रिवेट होते हैं दोस्तों। क्या होता है? रिवेट होते हैं। रिवेट एक्चुअल में इस तरह का होता है, ऐसा होता है रिवेट, होता बिल्कुल बोल्ट की तरह ही इस तरह से। लेकिन करते क्या, जब हम इसे किसी प्लेट में लगाते हैं ना, जैसे आपने इसको इस प्लेट में इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर, यहाँ प्लेट में इंसर्ट किया इस तरह से, और प्लेट में लगा दिया ये वाला रिवेट। अब इसका जो नीचे वाला सिरा होता है, इसको हम हथौड़े से पीटना शुरू करते हैं, और पीट पीट के इसको ऐसे बंद कर देते हैं ऐसे, तो इसीलिए रिवेट की शेप इस तरह से दिखाई देने लगती है। एक्चुअल में ऐसा होता है जो कि यहाँ लगा होता है, ये आपका परमानेंट जॉइंट होता है, इसको आप खोल नहीं सकते, फिर अब कटेगा इसी धीरे, समझ पा रहे हैं ना, ये खुलता नहीं है। तो हमने क्या किया, दो प्लेट ली, इनको रिवेट के द्वारा जोड़ दिया, इनको रिवेट की हेल्प से यहाँ पर जोड़ रखा है। अब आपने लगाया फोर्स बाहर से, ये कौन सा फोर्स लग रहा है? ये टेंसाइल फोर्स है, खींचने का काम कर रहा है। इसे मत कह दीजिएगा गलती से शियर फोर्स, ये क्या टेंसाइल फोर्स है, खींच रहा है, ठीक है। तो आपने ये कोई फोर्स लगा दिया इस तरह से, टेंसाइल था, मैं केवल फोर्स लिख देता हूँ यहाँ पर। अब जब आपने फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कर्तन बल उत्पन्न हो जाएगा इसमें। कर्तन बल कैसे उत्पन्न होगा? जब ये कट जाएगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से बीच में से, यहाँ से कट जाएगा ये। कटने के बाद की शेप भी दिखा देते हैं। सपोज मान लिया यहाँ से कट गया, एक साइड ये अलग हो गई और दूसरी साइड ये वाली अलग हो गई इसकी, ये कट के अलग अलग हो गए दोनों पार्ट। ये फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, ये वाला, ये नीचे वाला डायग्राम ऊपर वाला, यहाँ से कट गया। जब ये कट जाता है तो ये जो सरफेस है ना इसका, ये वाला, इस सरफेस पर स्पर्श रेखीय बल काम करता है, इस सरफेस पर एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे।
इस पे ये जो फोर्स काम कर रहा है स्पर्श रेखीय बल, ये ही आपका शियर फोर्स है। तो हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स पहली चीज होता कैसा है, ये सतह के हमेशा अलोंग लगता है, सतह के बिल्कुल समांतर लगता है, स्पर्श रेखीय लगता है, स्पर्श रेखीय। मैं नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों ये चीज़, डेफिनेशन तो बिल्कुल आसान है इसकी। स्पर्श रेखीय को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स, स्पर्श रेखीय बल, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। तो अब क्या बोलेंगे आप इसमें, जब भी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलती है, स्लाइड करती है, ये भी तो फिसल रही है, जब ये कटी होगी तो इसके ऊपर यहाँ से फिसली होगी, ऐसे फिसलती है, तो जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलती है तो इस बॉडी में इस सतह के समांतर या सतह के अनुदिश, अलोंग अलोंग सरफेस के अलोंग, यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखीय बल काम करता है, टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, इसको कहते हैं शियर फोर्स। क्या कहते हैं, शियर फोर्स। और जब किसी बॉडी पर हम बल लगाते हैं और उसमें शियर फोर्स उत्पन्न होता है यहाँ पर, तो इस शियर फोर्स का विरोध करने के लिए बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। आई थिंक सो समझ आ रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पर शियर फोर्स ये नहीं है, ये टेंसाइल फोर्स था, ये कौन सा फोर्स था, ये टेंसाइल फोर्स था, यहाँ पर जो बाहर से लगाया था आपने, शियर फोर्स ये होगा, ये होगा शियर फोर्स, यहाँ पर ये जो उत्पन्न हो रहा है बॉडी में, स्पर्श रेखीय जो उत्पन्न हुआ यहाँ पर उत्पन्न होगा और यहाँ पर उत्पन्न होगा, ठीक है। आगे जाके आपको पढ़ाएंगे, जब भी आप RCC वगैरह पढ़ेंगे तब सब समझाएंगे आपको, सिंगल सीयरिंग डबल सीयरिंग वहाँ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फिलहाल ये बताइए, शियर फोर्स बता देंगे आप क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलती है या फिर फिसलने का प्रयास भी करे तो बॉडी के अंदर से जो स्पर्श रेखीय बल यानी टेंजेंशियल फोर्स उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स का नेचर बॉडी को काटने का होता है, वह उसको काटने की कोशिश करता है, ये देखो काटने की तो कोशिश कर रहा था, अब इस शियर फोर्स का विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। आप ये चीज़ यहाँ भी दिखा सकते हैं, जब किसी बॉडी पर शियर यानी शियर का मतलब कर्तन बल लगाया जाता है तो इस कर्तन बल का विरोध करने में उत्पन्न प्रतिबल को हम कर्तन प्रतिबल कहते हैं, कर्तन प्रतिबल। ये आपको नोट्स बनाने के लिए इतना लिखवाना पड़ रहा है, अदरवाइज समझ तो आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश में सीधे क्या कह देंगे आप, स्ट्रेस अगेंस्ट शियर फोर्स इज नोन एज शियर स्ट्रेस। सभी दोस्तों को समझ आया, डायग्राम आप इसमें ये वाला बना सकते हैं, यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है शियर फोर्स है और शियर फोर्स अपॉन एरिया को क्या कह देंगे हम, शियर स्ट्रेस कह देंगे। शियर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, स्पर्श रेखीय होता है, ये स्पर्श रेखीय बल जो है ये क्या, ये शियर फोर्स है, ठीक है, ये वाला। तो आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सामने सब नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको शियर स्ट्रेस समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं और आगे बात करते हैं, अपने दो स्ट्रेस और बचे हमारे, डायरेक्ट और बेंडिंग, ठीक है। तो इसको रफ करके पहले मैं उसकी थ्योरी लिख देता हूं, फिर उसको समझाते हैं, वो थोड़ा अलग है इनसे, हो गया। तो चलिए दोस्तों समझते हैं अब चौथा टाइप, डायरेक्ट स्ट्रेस। थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट मतलब सीधा। तो आपने अभी क्या देखा था, जैसे कोई बॉडी है, ये बॉडी है कोई, तो इस बॉडी पर जो टेंसाइल फोर्स लगते थे, ये टेंसाइल फोर्स, ये इसकी अक्ष है, बॉडी की अक्ष जानते हैं ना, एक्सिस जो बीच में से पास होती है, जैसे ये इस बॉडी की एक्सिस हो गई, तो किसी भी बॉडी की अक्ष पर जो फोर्स लगते हैं वो टेंसाइल हों या फिर कैसे हों, कंप्रेसिव हों, जैसे ऐसे लगा दिया, ये इसकी अक्ष है बॉडी की, इधर अंदर की ओर लग रहा है, तो ये हो गया कंप्रेसिव। सुनना ध्यान से, क्या, जब किसी भी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, कौन से, जो इसकी अक्ष पे लगते हैं, इसलिए कह देंगे क्या, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, अक्षीय तनाव बल, या लोड भी कह सकते हैं, भार भी कह सकते हैं, ठीक है, अक्षीय तनाव बल या अक्षीय संपीडन बल, समझ आ रहा है ना, बॉडी की अक्ष से मतलब समझ रहे ना आप, कोई बॉडी है जैसे मैंने ये वाली बॉडी, ये कॉलम बना दिया, तो कॉलम की अक्ष कहाँ होगी, बीच में, इसकी लंबाई के बिल्कुल बीच में से जाती है, ये अक्ष होती है इसकी, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, ये कॉलम है, अगर कॉलम सभी जानते हैं बिल्डिंग में होता है, जिसे आप स्तंभ कहते हैं हिंदी में, ये कॉलम है, तो कॉलम की अक्ष कहाँ होती है, इसके बीच में, यहाँ से जाती है, इस पर भी आप कोई फोर्स लगा सकते हैं, जैसे कॉलम पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ये लगा दिया मैंने, ठीक है, ये वाला। तो आप सभी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉडी पर
एक्सियल टेंसाइल फोर्स यानी अक्षीय तनाव बल, या फिर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स यानी अक्षीय संपीडन बल। यहाँ भी लगा हुआ है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। तो इन बल या भार को हम कहते हैं डायरेक्ट लोड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट लोड। जब भी किसी बॉडी की अक्ष पर कोई बल लगेगा उसको हमेशा क्या बोलेंगे? वो डायरेक्ट लोड है, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो। इतना समझ आ रहा है? तो पहली लाइन क्या होगी आपकी? एक्सियल टेंसाइल फोर्स एंड एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स डायरेक्ट लोड कहलाते हैं, या डायरेक्ट लोड या डायरेक्ट भार कहलाते हैं। और इन डायरेक्ट लोड का विरोध करने के लिए, क्या? इन डायरेक्ट लोड का विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। डेट मीन्स हम टेंसाइल स्ट्रेस को भी डायरेक्ट स्ट्रेस कह सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी डायरेक्ट स्ट्रेस कह सकते हैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस इसमें उत्पन्न होगा, इसमें कंप्रेसिव, इन दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये अक्ष पर लग रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया डायरेक्ट है। ये समझ आ रहा सभी को? तो यही यहाँ लिखा हुआ है। क्या? अक्षीय तनाव यानी एक्सियल टेंशन एंड अक्षीय संपीडन यानी एक्सियल कंप्रेशन भार को हम सीधे भार यानी डायरेक्ट लोड कहते हैं। लोड या बल कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। जब किसी वस्तु पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। आपको पहली लाइन में ही आंसर मिल जाना चाहिए कि जब भी किसी बॉडी की अक्ष पर जो बल काम करेंगे, टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, उन्हें डायरेक्ट लोड कहेंगे। और इन डायरेक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। अब ये जो होते हैं टेंसाइल, एक्सियल टेंसाइल या एक्सियल कंप्रेसिव, या अब मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्ट लोड, ये जो डायरेक्ट लोड होते हैं सरफेस के नॉर्मल काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सतह है, ये सतह ही तो है, ये इस सतह के कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। अब देख लीजिए खुद, ये सतह है, इस सतह के कैसे लग रहा है? लंबवत लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है, 90 डिग्री पर। यहाँ भी देख लो 90 डिग्री पर लग रहा है, समझ पा रहे हैं? यहाँ भी देख लो 90 डिग्री पर लग रहा है। तो सरफेस के नॉर्मल काम करते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछे तब भी आप यही वाली डेफिनेशन लिख के आएंगे। डायरेक्ट लोड या फोर्स प्लेन के नॉर्मल नॉर्मल कार्य करते हैं या लगते हैं, लिख लो यहाँ पर अभी के लिए लगते हैं, इसीलिए डायरेक्ट स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। ये बताइए सभी को समझ आ गया ना अच्छे से? ये तीनों डायग्राम बनाना आप, ताकि आपको याद रहे। ये टेंसाइल, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इन कॉलम, ये कॉलम में लगा हुआ है। इन्हें आप बीम मान सकते हैं, बीम हॉरिजॉन्टल होती है, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है ना? तो ये आपको तीनों चीज़ क्लियर हो रही है, तीनों डायग्राम। तो अब बोलेंगे क्या मेरे साथ, रिपीट कीजिए, फिर से रिवाइज करते हैं। क्या बोलेंगे आप? जब भी किसी बॉडी पर, या सबसे पहले बोलिएगा कि एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेसिव लोड को हम डायरेक्ट लोड कहते हैं, और जब किसी बॉडी पर डायरेक्ट लोड कार्य करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए बॉडी के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस कहलाता है। अब चूंकि ये जो लोड होते हैं ये प्लेन के नॉर्मल काम करते हैं, इसलिए डायरेक्ट लोड को, डायरेक्ट स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। याद हो गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर अब समझाते हैं हम आपको अगला, बेंडिंग स्ट्रेस। लिख गया, रफ करते हैं इसको और चलिए अगला टाइप देखते हैं, ठीक है? अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना हो तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। बेटा डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सिग्मा डी से डिनोट करते हैं, सिग्मा डी। डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड अपॉन में एरिया, अपॉन में एरिया। ये बताइए सभी को समझ आया ना? इस डायरेक्ट लोड में आपका ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है? चलिए हटा दें इसको साथियों, हटाते हैं और अगले टाइप की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। थ्योरी को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेंगे अच्छे से। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है? अभी हमने क्या देखा था, जैसे कोई बीम है, ये कोई भी बीम है, ठीक है? यस, तो हमने देखा ये इसकी अक्ष होती है, क्या होती है? अक्ष होती है। तो जो अक्ष पे फोर्स काम कर रहे थे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, हम उनको डायरेक्ट लोड कहते थे या डायरेक्ट फोर्स कहते थे। अब इसमें क्या हुआ, बेंडिंग के केस में इस बीम के अक्ष के लंबवत बल काम करेंगे, कैसे? लंबवत, किसके लंबवत? अक्ष के, इस अक्ष के। डायरेक्ट लोड क्या थे? डायरेक्ट लोड वे लोड थे जो अक्ष के बिल्कुल अक्ष पर लग रहे थे, इस तरह से। ये जो लग रहे थे ये कौन से थे? डायरेक्ट लोड थे, ये डायरेक्ट लोड थे दोस्तों, ये वाले, ठीक है? इनको हम कहते थे या तो ये प्लेन के नॉर्मल लग रहे हैं यानी प्लेन के लंबवत लग रहे हैं, या कहते थे अक्ष पर लग रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग के केस में, बेंडिंग के केस में बीम की अक्ष के लंबवत बल काम करेंगे।
तो जो भी फोर्स बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। ये जो W मैंने यहाँ लोड लगा दिया कोई, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर ट्रांसवर्स लोड है, अनुप्रस्थ भार है, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ भार। इतना समझ आ रहा है? तो आप क्या बोलेंगे कि जब भी किसी बीम की अक्ष के परपेंडिकुलर, यानी कि जब भी किसी बीम की एक्सिस के लंबवत कोई भी बल काम करता है या कोई भी भार काम करता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लोड, अनुप्रस्थ भार। ठीक है, अब ये अनुप्रस्थ भार क्या करेगा, इस बीम को बेंड कराने की कोशिश करेगा। अगर ये बीम इधर से किसी सपोर्ट पर टिकी हो, सपोज यहाँ और यहाँ, तो ये बीम को क्या कर देगा, इस तरह से बेंड करा देगा। बेंड करने का मतलब समझते हैं ना, बीम मुड़ जाएगी ऐसे नीचे को, इस तरह से मुड़ जाती है बीम। समझ पा रहे हैं सभी दोस्त, बीम क्या हो गई, मुड़ गई। अब जब ये बीम मुड़ जाती है दोस्तों, तो मुड़ने के बाद क्या होता है, बीम में आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में इसकी अक्षे बीम के ऊपर वाला जो सरफेस है कुछ सिकुड़ गया इसका, क्या हो गया, ये ऊपर वाला सरफेस इसका सिकुड़ गया। सिकुड़ने का मतलब दब गया, दबने को कहते हैं कंप्रेस हो गया। क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला फैल गया थोड़ा सा, आपको दिखाई दे रहा होगा जो नीचे वाली सतह है ये नीचे को ऐसे खिंचाव में आ गई, खिंचाव में मतलब ये टेंशन में आ गया, ठीक है, इसमें तनाव हो गया। तो जो ये जो बेंड हो रही है बीम, ये बीम बेंड ना हो इस लोड के कारण, इस ट्रांसवर्स लोड के कारण ये बीम बेंड ना हो, इसको बेंड होने से रोकने के लिए या इस बेंडिंग का विरोध करने के लिए इस बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो होता है बेंडिंग स्ट्रेस। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? तो जब भी किसी बीम की अक्ष के लंबवत कोई बल काम करता है उसको ट्रांसवर्स लोड या अनुप्रस्थ भार कहते हैं, और इस ट्रांसवर्स लोड का विरोध करने के लिए या फिर इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम बेंड कर जाती है, तो इस बेंड का यानी बीम के इस बेंडिंग का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है जिसके कारण बीम बेंड ना हो उस स्ट्रेस को कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, कंप्रेसिव भी टेंसाइल भी, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे डायरेक्ट टेंसाइल और डायरेक्ट कंप्रेसिव होता है, ऐसी बेंडिंग टेंसाइल और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होता है। सभी दोस्तों को समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी बीम की अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है, बीम की अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम, इस भार को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम अनुप्रस्थ भार यानी ट्रांसवर्स लोड कहते हैं। यानी इस लोड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लोड। ये पूछा भी जाता है बीम पर कौन सा लोड काम करता है, ट्रांसवर्स लोड काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इस ट्रांसवर्स लोड के कारण बीम का झुकाव होता है, बीम का क्या होता है, झुकाव होता है, यानी बीम बेंड कर जाती है, बीम का झुकाव हो जाता है। तो इसका विरोध करने के लिए किसका, इस झुकाव का, बीम में झुकाव ना हो इसका विरोध करने के लिए बीम के अंदर से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसे हम बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। सभी को इतना समझ आया, सभी दोस्तों को ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब नीचे मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बीम का डायग्राम मिटाना पड़ेगा ताकि मैं नोट पॉइंट को समझा सकूं। ठीक है, ये डायग्राम मिटा रहा हूं बीम वाला, आप लिख लीजिएगा इसको। अब मैं बनाता हूं एक दूसरा डायग्राम कॉलम का, चूंकि कॉलम में भी बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमने कॉलम बनाया। ये कोई कॉलम है, ये क्या, ये कोई भी कॉलम है, ठीक है, ये वाला। इससे पहले कॉलम में डायरेक्ट स्ट्रेस कब उत्पन्न हो रहा था, जब इसकी अक्ष पर डायरेक्ट लोड काम करता था, कोई भी लोड इसकी अक्ष पर काम करता था उसे हम डायरेक्ट लोड कहते हैं। ये इसकी अक्ष है, अगर यहाँ पर कोई बल काम कर रहा है तो ये क्या है, ये जो पी फोर्स है ये डायरेक्ट लोड है, इसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेस उत्पन्न होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब बीम की अक्ष पर कोई फोर्स काम ना करके इसकी अक्ष के पैरेलल काम करेगा, इधर कहीं लगेगा, इसकी अक्ष से कुछ दूरी हटके लगता है लोड यहाँ पर, ये तो ये जो लोड लग रहा है ये पी लोड, ये हमारा इसेंट्रिक लोड कहलाता है, उत्केंद्री भार, उत्केंद्रित भार कहलाता है। क्या कहलाता है, पी उत्केंद्रित भार। एक तो अक्ष पे लगता है उसे एक्सियल लोड कहेंगे, एक्सियल डायरेक्ट लोड हो गया, ये अक्ष से कुछ दूरी हटके लगता है, इस अक्ष के पैरेलल काम करता है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड, उत्केंद्रित भार। और इसकी अक्ष से और इस लोड तक की जो दूरी होती है दोस्तों, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी इसे हम कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हिंदी में उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। ठीक है, ये जो ई है इसको हम उत्केंद्रता कहते हैं। इतना समझ आ रहा है? अब चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट उत्पन्न हो जाएगा, जहाँ भी मूवमेंट उत्पन्न हो समझो बेंड कराने की कोशिश करेगा, ये कॉलम को ऐसे बेंड करा देगा, ऐसे मुड़ जाएगा कॉलम साइड में, इसमें झुकाव हो जाएगा, ऐसे ऐसे
ऐसे कॉलम जो है आपका ये मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस बल की वजह से ऐसे बीच में से मुड़ जाएगा कॉलम, अगर मैं बात करूँ इस तरह से मुड़ जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी दोस्त। तो इसमें भी झुकाव हो जाता है, ठीक है, हालांकि इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में, बट आपको नोट में याद क्या रखना है कि जब किसी कॉलम पर उत्केंद्रित भार यानी इसेंट्रिक लोड कार्य करता है, कौन सा लोड है ये, इसेंट्रिक लोड है, तो इसेंट्रिक लोड जब भी कार्य करता है तो इसके कारण कॉलम का झुकाव होता है, इसमें भी बेंडिंग होगी, ठीक है, बट इसमें बेंडिंग और डायरेक्ट दोनों प्रकार के स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। अगर बीम पर आपने कोई ट्रांसवर्स लोड लगाया तो उसमें तो केवल बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे थे, बट कॉलम के केस में क्या होता है, बेंडिंग भी उत्पन्न होगा और ये डायरेक्ट भी, नीचे को भी फोर्स लगाएगा डायरेक्ट, इसके अलावा इसको झुकाएगा भी, झुकाव भी कराएगा इसमें। तो कॉलम के केस में क्या होता है, इसेंट्रिक लोड के कारण बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस, दोनों प्रकार के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जब किसी कॉलम पर उत्केंद्री भार इसेंट्रिक लोड कार्य करता है तो कॉलम का झुकाव होता है जिसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग दोनों स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट भी उत्पन्न होगा बेंडिंग भी उत्पन्न होगा। तो इस केस में जब हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकालते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस तो सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी यानी डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को जोड़ देते हैं दोनों को, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाता है। एंड जो मिनिमम स्ट्रेस निकालते हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेस में से बेंडिंग स्ट्रेस को माइनस करते हैं, तो उससे हमारा मिनिमम स्ट्रेस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हो गया, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आप इस डायग्राम को बना लीजिए, थ्योरी को लिख लीजिए अच्छे से। तो ये आपका स्ट्रेस वाला पार्ट हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए ताकि आपकी क्लास भी लेंदी ना हो, आप बोर भी ना हो। स्ट्रेस में जितना कुछ था मैंने पूरा पढ़ा दिया स्ट्रेस के बारे में, मतलब केवल स्ट्रेस के बारे में, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी केवल आपके दो ही टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब अगला टॉपिक आपको शाम के लेक्चर में मिलेगा जो कि आठ, अब टाइम चेंज हो गया है क्लास का, ऑनलाइन क्लास का, जो मैथ की क्लास थी वो अब 6:30 पे मिलती थी, अब वो 7 बजे मिलेगी, 7 PM पर मैथ की क्लास रहेगी। टाइम चेंज करने का रीजन है दोस्तों बताते हैं अभी, और जो मॉस और सोम की क्लास है वो डेली शाम को 9 बजे मिलेगी, ठीक है, 9 PM पर मिलेगी, किसके, सोम की क्लास या फिर मॉस की क्लास, ठीक है, ये वाली 9 बजे, पहले 8 पे थी, अब 1 घंटा बढ़ गया इसका। बढ़ने का रीजन ये, 5 से 6 भी मेरे पास ऑफलाइन बैच रहता है, तो मैं 6 बजे ऑफलाइन बैच को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपका रिकॉर्ड करूंगा, 1 घंटे में मैथ की क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, तो 6 से 7 तक, उसको फिर 7 बजे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा मैथ की क्लास, फिर 7 बजे के बाद थोड़ा सा गैप करके 10-5 मिनट का, फिर अगला लेक्चर आपका 9 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं रिकॉर्ड करूंगा 1 घंटे में, फिर आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे अभी के लिए। तो 7 और 9 बजे हो गया शाम का टाइम, पढ़ सकते हैं आप इजीली, कोई बड़ी बात नहीं, 9-10 बजे तक तो सभी जगते होंगे, खाना पीना खा के आराम से पढ़ लीजिएगा, अगले दिन देख लीजिएगा, बट टाइमिंग ये रहेगी, आप डेली का डेली कंप्लीट करते चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा और रूटीन बना रहेगा आप सभी का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर क्लास थोड़ी सी भी डिले हो जाती है तो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, सर क्लास क्यों नहीं आई, क्या रीज़न है, तो बहुत दिल से खुशी होती है कि आप सब लोग इतने एग्रेसिव हैं पढ़ाई को लेकर, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली क्लास में, जिसमें कि हम स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, आगे जो भी रह गया कंटिन्यू करेंगे शाम वाली क्लास से। तो बाय बाय, टेक केयर।